नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान अपने ग्राउंड रिपोर्टिंग में आज हम उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद एरिया में आए हुए हैं। ये बिरसुली एक एरिया है जिस एरिया में हम यहाँ के आम युवाओं से जो समाज में हैं, बसपा से ताल्लुक रखते हैं, बहुजन समाज के हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि बसपा का जो ग्राफ गिरा है उसका मूल कारण क्या है और बहुजन समाज पार्टी को क्या क्या करना चाहिए। सारी बातें हम इनसे डिस्कस करेंगे। आप आगे भी बने रहें, थोड़ा सा हम इनसे पूछते हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। हाँ जी, सिकंदराबाद का रहने वाला हूँ। सिकंदराबाद के जी। बहुजन समाज पार्टी अभी तक क्या क्या मिस्टेक कर रही है? सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे जो युवा वर्ग है या जो अपने जो समाज से जो जुड़ी हुई हैं बहन जी, हाँ, उससे दूरी बन चुकी है उनकी। अच्छा। क्योंकि जो भी जब भी सत्ता में आई हैं कभी भी अपने समाज से जुड़ी नहीं है ये। अच्छा। जो समाज से जो दूरी है ना, हाँ, वो इनके पतन का मेन कारण बना। इनको क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? अपने समाज में जाना चाहिए, अपने समाज के लोगों के लिए जो भी, वैसे तो इन्होंने काम बहुत अच्छे अच्छे करे हैं, लेकिन कुछ लोगों की जो अंदरूनी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करना चाहिए। मानवर काशी राम जी साइकिल से चलते थे जी, समाज में जाते थे। बिल्कुल। क्या साइकिल का जमाना है? साइकिल का तो जमाना नहीं है, बट ये डायरेक्टली नहीं जा सकती है तो एक मीडिया के थ्रू जाना चाहिए। हाँ जी। और आजकल तो जमाना उसका चल गया है कि आप कहीं भी बैठे हुए रूबरू हो जाते हैं एक दूसरे के। हाँ जी। तो वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप आपस में एक दूसरे से अपने समाज से पंचायत करें, चौपाली सभा करें। हाँ, इस तरह करके अपनी बहन जी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क करना चाहिए जिससे कि उनके जो दिल की जो तीस है उसको पता चले और उसका निवारण हो जाए। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया है जी। बसपा का अच्छा जनाधार है, बहुत अच्छा है। 2022 में क्या उम्मीद है? 2022 में अच्छी उम्मीद है जिससे कि पॉजिटिव रिजल्ट निकलना चाहिए। अच्छा। और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बसपा को वोट कराएं। ठीक है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बहन मायावती जी एक महिला भी हैं, उम्र करीब 60 के करीब जा रहा है, आप ये चाहते हैं कि वो समाज में घूम घूम के प्रचार प्रसार करें या कोई और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें? और उसके लिए जो हमारे जो फील्ड में नीचे वर्ग के जो कार्यकर्ता हैं उनको एक्टिव करा जाए ज़्यादा से ज़्यादा। और जो हमारा जो बसपा का जो पतन का कारण भी यही है कि हमारे जो कार्यकर्ता थे वो आम जनता के साथ में नहीं जुड़ पाए। अच्छा। वो अपना अलग ही एक स्तर को लेके चले और अपने आप को ही मैन सर्वसर्वा मानने लगे। हाँ जी। और जनता के साथ में उनका बैठना उठना, समाज के साथ में या किसी के साथ में, और बैठना उठना था ही नहीं। अच्छा। ये मैन और समाज से दूरी बढ़ गई। जितना कि हमारे मैन जो युवा कार्यकर्ता हैं उनको जोड़ा जाए और वो फिर समाज में गांव-गांव जाके, मोहल्ले-मोहल्ले जाके हमारे जो बसपा की नीतियां हैं उनको अच्छी तरह विस्तार के अकॉर्डिंग उनको समझाया जाए, तो वो जो हमारे कार्यकर्ता जो टूटे हैं, जो समाज हमारा टूटा है, वोट बैंक, वो फिर से जोड़ने की कोशिश की जाए। मैं एक जो है मेन प्रश्न पूछ रहा हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी आपने सुना होगा, रामविलास पासवान जी का है जी, उसके महासचिव हैं सूरजभान सिंह, बाहुबली सांसद रहे हैं, ठीक है, सवर्ण है। आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बिहार में जगदानंद सिंह है और मनोज झा राज्यसभा सदस्य है, ठीक है। अक्सर बहन मायावती के ऊपर क्यों आरोप लगता है, सवर्णवादी हो गई, सतीश मिश्रा को हटाओ, इस तरह की बातें की जाती है, क्या बसपा कार्यकर्ता चाहते हैं या उनको विरोधी चाहते हैं? एक्चुअली क्या नहीं, विरोधी की बात नहीं है, जो मान्यवर काशीराम जी जो अपने वो लेके चले थे ना, हाँ, कि स्वर्ण जोड़ो वाली उनकी कोई और थी नहीं नीति, उन्होंने हमेशा बाबा साहब को सर्वप्रिय रखा और बाबा साहब की नीति को उन्होंने फॉलो करा है। बहन जी ने बाबा साहब की नीति को भूल गई हैं और स्वर्णों के साथ मिलके, मैं नहीं कहता कि स्वर्णों को अगर नहीं जोड़ेंगे या अदर कास्ट को अपने साथ नहीं लेंगे तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते राजनीति में, सबको साथ लेना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो बाबा साहब का जो मिशन है ना और बाबा साहब की जो बातें हैं उनको भी याद करते हुए और उनके जो एक हमारा रह थी, जो भी हमारा एक लक्ष्य था मान्यवर काशीराम जी के समय में, उस चीज को लेते हुए उसी हिसाब से चलना चाहिए बहन जी को। अब आपके सामने है मान्यवर काशीराम जी का आइडियोलॉजी जो 85% बहुजन समाज को लेकर चले थे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने पूरे समाज को लेकर चले थे, उन्होंने कभी भी बहुजन और सवर्ण नहीं किया, पूरे देश को एक संविधान दिया। अगर आप पढ़ेंगे आर्टिकल 48 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
जिसमें उन्होंने गौरक्षा की भी बातें की है। आर्टिकल 49 जिसमें उन्होंने कहा है कि मोनूमेंट की सुरक्षा होनी चाहिए, और मोनूमेंट अभी आपके सामने है जिसको हम कहते हैं मठ। रविदास मंदिर दिल्ली में टूट गया, दिल्ली पुलिस ने तोड़ी, संवैधानिक हमला हुआ, संविधान के साथ छेड़छाड़ हुआ। क्या संत रविदास मंदिर का टूटना उससे आपको कोई तकलीफ है? बहुत बड़ी तकलीफ है, क्योंकि हमारे वो गुरु रहे हैं और हमारे हमारे एक महापुरुषों की तरह उन्होंने काम किया समाज के लिए, तो एक तरह से वो हमारे जो समाज के एक प्रेरणादायक स्थल था, तो इसलिए उसको तोड़ना एक तरह से हमारे समाज को तोड़ने के बराबर था। बहन मायावती जी कहती है हम अम्बेडकरवादी हैं, तब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने पूरे समाज को लेके चला, ठीक है? ऐसा नहीं था कि केवल आपके सामने एक 341 अनुच्छेद है जिसमें जाति प्रमाण पत्र का ब्यौरा दिया हुआ है, आर्टिकल 14 है जिसमें कहा गया है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 15 है जिसमें कहा गया भेदभाव नहीं कर सकते हो, बाकी पूरा संविधान जिसमें 395 आर्टिकल है वो तो सर्व समाज के लिए लिखा गया है, पूरे देश के लिए लिखा गया है ना। तो बहन मायावती जी तो उसी आइडियोलॉजी चल रही है? नहीं, वो ही नीति तो वो सही है, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल ब्राह्मण बात को लेकर चलते हैं, मनुस्मृति वगैरह को लेकर चलते हैं, तो हमें उनसे ही दूर मतलब, रहना है। कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण बाद का विरोध है, ब्राह्मण का नहीं, ब्राह्मण बाद का विरोध है, ब्राह्मण का नहीं है। अगर जो ब्राह्मण मानवतावादी है, जो ब्राह्मण मानवतावादी है, सर्व समाज को हित में सर्व समाजवादी है, तो हम उसके विरोध थोड़ी करेंगे। हम तो उसका विरोध है जो बिल्कुल कट्टर ब्राह्मण भेदभाव करने वाला है, ठीक है, जो समाज को तोड़ने वाला है, भेदभाव करने वाला है, आप उसके विरोधी हैं। बाकी अगर मानवतावादी व्यक्ति चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, वो बसपा के लिए उसका दरवाजा खुला हुआ है, आप लोगों के लिए दरवाजा खुला हुआ है, ठीक है जी। 2022 में उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता पूरी तैयारी में है, बिल्कुल, बहन जी की सरकार आएगी, बिल्कुल आएगी। अच्छा, दिल्ली विधानसभा का चुनाव है जी, और इनके जो कोऑर्डिनेटर लेवल के हैं, जो भी हैं, वो थोड़ा सा ठंडे चल रहे हैं, धीरे चल रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए संदेश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ें और अपनी नीतियों को विस्तारपूर्वक समझाएं, जनता के सामने लेके आए। बट जो मैंने अभी शुरू में बोला था कि हमारे जो मेन कार्यकर्ता थे वही आम जनता से हट गए, और वो ही वहाँ पे हो रहा है दिल्ली में, वो समाज के सामने जा ही नहीं पा रहे हैं, वो अपना कुर्सी लेके बैठे हुए हैं और एक तरफ मजे ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया, बाकी जितनी मीडिया है, इसका इस्तेमाल ज्यादा जरूरी लग रहा है, बहुत ज्यादा जरूरी है, है ना मीडिया का। और ये बातें बहन मायावती जी तक कैसे पहुंचाया जाए? सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचेगी, है ना, बिल्कुल, क्योंकि वो तो लखनऊ में बैठती है, बिल्कुल सही बात, और वहाँ तक अगर पहुँच जाए, वो अपना नीतियों में बदलाव कर दे, तो आपको लगता है कि बसपा मेन स्ट्रीम में आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी जी, बिल्कुल आ जाएगी। और इनके जो कार्यकर्ता हैं, अगर वो लोग अपनी जो ड्यूटी है उसे ईमानदारी से निभाने लगे, जैसे कि भी आप बता रहे हो कि दिल्ली में चुनाव है और वहाँ पे बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, क्योंकि वो लोग अपना पद लिया और उसके बाद बैठ गए अपने घर पर। जो वर्क जो मायावती ने और कांशीराम जी ने करा था, जो मेहनत करी है, उस चीज़ को ये लोग भूल चुके हैं। इन्हें क्या है कि बस अपने लिए एक हमें पद मिल गया है और हमें कुछ करना ही नहीं है, बाकी अब तो जो भी समाज है, जो भी लोग हैं, हमारे पास आएंगे और हम उन्हें आदेश देंगे। जबकि जब तक हम लोग खुद मेहनत नहीं करेंगे, तो हमारा छोटा जो भी कार्यकर्ता वो कहाँ से मेहनत करेगा, क्योंकि हमें उन्हें जाके जगाना तो हमें ही पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, डोर टू डोर जाना पड़ेगा। इन लोगों की तमाम जो है हमने पूछताछ किया, बातचीत किया, इलाके में घूमे, और हमें ये लगता है कि मजदूरों की मजदूरी अगर पसीना सूखने से पहले दे दी जाए, तो कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति कामयाब हो सकता है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपको फिर ग्राउंड रिपोर्टिंग में लेकर आएंगे, उत्तर प्रदेश का, दिल्ली का, हर जगह का। तब तक के लिए धन्यवाद।